LLB लाहौर लंडा बाजार से शॉपिंग की जाए। कितने की अंकल? आंटी 250 रुपए। भाग भाग जाओ बैंक के। 50 रुपए में आपको एक कैमिसोल मिल रही है, मेरी मम्मा लेकर आती हैं 300, 300, 400, 400 की। आपकी खिदमत में एक मजीद व्लॉग के साथ। पीछे मेरी अम्मी को लेटा हुआ, प्लीज शदीद इग्नोर करें क्योंकि वो सिर्फ ड्रामे देखती रहती हैं सुबह से लेकर शाम तक, मुझे नाश्ता भी नहीं देती। खैर इग्नोर करते हैं अम्मी को और अम्मी के ड्रामों को, और आपको बताते हैं हमारे व्लॉग का टाइटल। हम लोग जा रहे हैं 17 तारीख को हुंजा, तो मेरे ख्याल से हुंजा में बहुत बर्फबारी होगी, ठंडा मौसम होगा क्योंकि लाहौर में भी काफी दिन से मौसम अच्छा है, तो हुंजा में तो ऑब्वियसली अच्छा ही होगा मौसम। तो मेरे पास गर्म कपड़े बहुत सारे हैं, ढेर सारे, लेकिन क्योंकि मैं इतने ज्यादा ट्रिप्स पे आती जाती रहती हूँ तो मैंने वो हर जगह पे पहन लिए हुए। तो मैंने सोचा कि क्यों ना शॉपिंग कर ली जाए थोड़ी सी सर्दियों की, मतलब गर्म कपड़ों की, ताकि हम उसको हुंजा में पहन के अच्छा सा कॉन्टेंट बना सकें। तो मैंने सोचा कि नए कपड़े खरीद लेने चाहिए, लेकिन हम हर बार पता है एक अच्छी जगह से खरीदते हैं। मैं नॉर्मली लिबर्टी से बहुत सारी चीज़ें खरीदती हूँ, जितनी भी स्वेटशर्ट्स होती हैं, जितनी भी जैकेट्स होती हैं, मैं वो लिबर्टी से खरीदती हूँ या फिर किसी अच्छी जगह से ही खरीदती हूँ। लेकिन मैंने सोचा कि आज सब बाजारों को साइड पे करके दुनिया का सबसे बड़ा मॉल, दुनिया का सबसे बड़ा मॉल LLB लाहौर लंडा बाजार से शॉपिंग की जाए। वो मेरे लिए सबसे बड़ा ब्रांड है, सबसे बड़ा बाजार है, क्योंकि वहां पे ना नेल कटर से लेके ना सर की कंघी तक का सारा सामान वहां पे मौजूद होता है। तो मेरे ख्याल से मुझे वहां से जीन्स भी मिल जाएंगी, शूज भी मिल जाएंगे, जैकेट्स भी मिल जाएंगी, स्वेटशर्ट्स भी मिल जाएंगी, और जो जो चीजें मुझे खरीदनी है वहां से वो सब कुछ मिल जाएगा। तो आज आपको करवाएंगे LLB, उसको आपने लंडा बाजार नहीं कहना, उसको आपने कहना है LLB। क्या कहना है? LLB। ठीक है, मैं बेसी नहीं बर्दाश्त कर सकती क्योंकि वो मेरे घर से ना 5 मिनट की दूरी पर है, तो मैं LLB की तो बेसी बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो आज हम लंडा बाजार से खरीदेंगे चीजें। तो सबसे पहले मैं होती हूँ तैयार। अभी अभी मैंने जोहर की नमाज पढ़ी और ये नूर जो मेरे चेहरे पर आया, मैंने ये नमाज का आया हुआ है। ठीक है, तो अभी हम होंगे तैयार। ये देख रहे हैं ना आप साइड पे, पिछले ब्लॉग में मैंने बताया था कि मेरे मुंह पे कोई पिंपल नहीं है, मैं बहुत सुंदर हो गई हूँ, तो नजर लग ही गई ना मेरे मुंह पे, ये देखें पिंपल आ गया। जिंदगी मेरे पता नहीं कब पिंपलों से दूर होगी ना। खैर तैयार होते हैं और आपके सामने आते हैं, फिर चलते हैं शॉपिंग पे। तो मैं हो चुकी हूँ तैयार, और मैंने आज हिजाब नहीं किया क्योंकि मुझे लगा था कि मैं चीजें वगैरह जब पहन के चेक करूंगी तो वो अच्छी लगनी चाहिए। व्हाट इज दिस यार, मैं हिजाब इसलिए करती हूँ ताकि मेरे बेबी हेयर जो है ना इनसे जान छूट जाए। मैंने ये खास करके ब्रेड्स बनाई थी ताकि ये जो मेरे बेबी हेयर है ये खत्म हो जाए, लेकिन ये खत्म नहीं हो रहा, मैं इनका क्या करूँ। आई हैव एन आइडिया, वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। ये मेरा थूक बहुत ही काम का, देखा आपने कैसे उसने मेरे बाल सेट कर दिए हैं। खैर मुझे लग पता है ये मेरा थूक भी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा, लेकिन मैं बार बार थूक का इस्तेमाल करती रहूंगी और इनको बिठाती रहूंगी। और मैं तैयार हो चुकी हूँ, अम्मी जो है वो भी तैयार हो रही है, तो हम लोग जाने के लिए तैयार है। यहाँ से पैदल का रास्ता है 5 मिनट, तो मैंने और अम्मी ने सोचा कि पैदल ही चले जाते हैं, ज्यादा क्या ही रिक्शा करवाएंगे और जाएंगे, तो पैदल जाएंगे और फिर आपको मैं पूरे लंडे बाजार का विजिट कराऊंगी। तो चलते हैं, अम्मी बस स्टार्ट कर लें। तो ये मैं अभी शॉप से आ गई थी, तो मैंने सोचा कि इसको भी साथ लेके जाना चाहिए, तो हम इसको भी साथ लेके जा रहे हैं। तुम हुस्न पर ही तुम जाने जा। तो हम लोग आ चुके हैं लाहौर लंडा, नहीं LLB, तो मेरे सामने LLB जैसी पोजीशन हासिल करे, डॉम की पोजीशन हासिल करे, टेलीनॉर की जैसी। हम लोग लंडा बाजार आ चुके हैं। वैसे तो लंडा बाजार में इतना रश लगा होता है, इतना रश लगा होता है जैसे इसमें फ्री में चीजें बिक रही है ना, मालो कुड़ी हो चीज मंडी भी ले जाओ, मतलब इस तरह से रश लगा होता है।
अगर आप संडे को आएंगे ना संडे को, तो आपको खड़े होने की भी जगह नहीं मिलेगी, मतलब इतना रश लगा होता है। खैर आज इतना रश नहीं है, बहुत कम रश लगा हुआ है। तो लंडा बाजार जो है ना, वो बेसिकली एक बहुत बड़ी मार्केट है। जैसे इंडिया में सरोजनी मार्केट है ना, वैसे लाहौर में LLB है। तो बाहर जो है वो सस्ती चीजें मिलती हैं, थोड़ा सा अंदर जाए तो उससे कम सस्ती चीजें। अगर आप उससे अंदर जाए ना, तो बहुत ही अच्छी किस्म की शॉप्स हैं जहाँ पर ए पेयर होता है। एक होता है बी पेयर, एक होता है ए पेयर। यहाँ पे सब यूज फटी पुरानी चीजें होती हैं, जो कि आपको सस्ती मिलती हैं, 30-30 रुपए, 40-40 रुपए, 50-50 रुपए शायद। अंदर जाए तो 500 और उससे अंदर जाए तो 10,000। और बहुत बड़ी मार्केट है, हर चीज आपको मिल जाएगी, हर चीज। तो एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है? देखें ये कितनी क्यूट है। अम्मी कह रही है कि ये हरम के लिए ले लेते हैं। कितने की अंकल? आंटी ये 250 अंकल कहाँ से जानते हैं? 250 250 को 250 कहते हैं। 250 के 250 कहते हैं उसको। 250 तो इतनी ललन की जूते 250 रुपए की? हाँ जी। ओए होए। अच्छा लंडा बाजार में अगर आप आते हैं ना, तो आपके पाँव का साइज जो है ना, वो होना चाहिए 36 कितना 46, क्योंकि 36 नंबर तो मेरा 36 नंबर का जूता जो आपको पूरे लंडा बाजार से नहीं मिलेगा। पता नहीं क्यों मेरे इतने से पाँव है, मैं जिस दुकान में जाती हूँ मुझे जूता ही नहीं मिलता। इस दुकान में मैं मैंने सोचा कि इधर हील वाला जूता थोड़ा सा अच्छा है, तो मैंने कहा चलो ले लेते हैं, लेकिन वो कहता है आपका तो साइज ही नहीं है हमारे पास। क्या मैं दुनिया से अलग हूँ? मैं एलियन हूँ? मेरे सर पे सींग है? क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। क्या मतलब? मैं 19 साल की लड़की हूँ, आप मुझे बच्ची कह रहे हैं? सर आपके साइज का जूता आपको नहीं मिलेगा, कपड़े वगैरह आप ले सकते हैं, क्योंकि ये बाहर है दुकान, इसमें बी पेयर शूज है। लेकिन अगर आप जाए ना A1 जूते खरीदने, वहाँ पे आपको हर साइज का जूता मिलेगा। हम और अंदर जाएंगे, अपने साइज का जूता ढूंढने। जेंट्स है तो क्या लेडीज शूज नहीं आपके पास? बात सुनिए, इसमें मेरे साइज के हैं। सिक्स भाग भाग जाओ बैंक के, दूसरा पाँव में जाने जरा चेक करके आते हैं, एक राउंड लगा कर आती हूँ बाहर का। कितने के हैं? 2700 का। इसमें हीरे लगे हुए 2700 का? इतना महंगा? अंकल कह रहे हैं जल्दी करो, मेला ना करो, जब पैसे दे दोगे तो फिर मेला करना, मेरी तरह से इसको फाड़ना छीनना जो मर्जी करना। अच्छा चलो अम्मी जी रेट करवाओ। क्योंकि मुझे ग्रे कलर के शूज चाहिए थे, मेरे पास पिंक कलर के भी शूज हैं, ब्लैक कलर के भी शूज हैं, व्हाइट कलर के भी शूज हैं, मेरे पास शूजों की भी बहुत अच्छी कलर है। एक तो इसमें पैसे नहीं हम मुझे नखरे कर रहे हैं, तो इन्होंने 3,000 लगाए थे। मेरी अम्मी ने उसको उठा के जमीन पे टपका पटका, अम्मी ने कहा कि 1500, तो वो कहता नहीं 2500। मैंने कहा ना आपकी ना अम्मी की 2000, तो वो 2000 में मान गया। तो हम लोगों ने ग्रे वाले शूज ले लिए हैं। तो अम्मी जी पैसे दें, डर लग रहा है मुझे तुम भी। और ये चप्पल कितने का लगाया है? नहीं ले रही, चलो लेडीज जेंट्स का होता है। चप्पल तो पैरों में पहनी है, आपके पैर और मेरे पैर भी अलग अलग है। वो लास्ट वाला। ओ भाई वॉशरूम में पहनने वाली चप्पल 1500 की, नंगे पहनने चली जाऊं मैं? चलो तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी ऑडियंस के थोड़े फायदे की बात कर दूं। तो हाँ, अगर आप भी अपनी आमदनी को बढ़ाना चाहते हैं तो अभी mostbet.com को आजमाएं। कैसे आजमाएं ये मैं आपको बताती हूँ। mostbet साउथ एशिया का नंबर 1 बुक मेकर है, और ये आपको परमिशन देता है कि आप इंस्टेंट डिपॉजिट कर सकते हैं विद योर बैंक अकाउंट्स, चेस कैश एंड इजी पैसा। आप बगैर किसी डिले और कमीशन के अपनी जीतने वाली रकम को वापस भी ले सकते हैं।
और हाँ, मोस्टपेट आपको ढेर सारी गेम्स खेलने का मौका भी फ्राहम करता है, जैसे कि एविएटर, अदर पहाड़, जेटेक्स, स्लॉट्स, लाइव कैसीनो, इस तरह की बहुत सारी गेम्स आप खेल सकते हैं। और हाँ, इन गेम्स को खेलकर आप रियल कैश प्राइजेस भी जीत सकते हैं। लाखों लोग मोस्टपेट का इस्तेमाल करके रोजाना बहुत सारे कैश प्राइजेस जीतते हैं और आप भी इनमें से एक हो सकते हैं। अगर आप हैं गेम्स के शौकीन और आपको लगता है कि आप हैं गेम्स में माहिर, तो आपके पास तो बहुत अच्छा हुनर है पैसा कमाने का। इन तमाम गेम्स जो के हैं टेनिस, फुटबॉल, कबड्डी, क्रिकेट, इन सब की पेशनगोई करके आप रियल कैश प्राइजेस भी जीत सकते हैं। तो आपको साइन अप कैसे करना है? आपने करना बस ये है कि मेरे कमेंट सेक्शन में मैंने एक लिंक को पिन किया है, उस लिंक के थ्रू आपको खुद को रजिस्टर करवाना है और फौरी रजिस्ट्रेशन पे आपको मिलेंगे 250 फ्री स्पिन। और हाँ, अगर आप यूज करते हैं मेरा प्रोमो कोड जो के है निम्रा, तो आपको 125% वेलकम बोनस भी मिलता है। तो इंतजार किस चीज का है? अभी जाएं खुद को रजिस्टर करवाएं और हो जाएं महफूज तौर पर अमीर। अच्छा, हम लोग ना जब स्कूल टाइम में होते थे ना, तो हम लोग लंडा बाजार से जूते, शूज, स्कूल शूज और ना बैग्स खरीदा करते थे। आपके ना पाँव टूट जाएंगे लेकिन वो जूता नहीं टूटेगा, ठीक है? और जो बैग्स है ना, वो भी काफी मुद्दत तक चल जाते थे। मतलब LLB की जो है ना चीजें, कहने को तो मतलब लंडा की होती हैं लेकिन वो ब्रांडेड होती है और बहुत अच्छी होती है, वो टूटती भी नहीं है। ये देखिए यहाँ पे घड़ियां भी हैं कितनी प्यारी। अब मेरा दिल कर रहा है इनमें से तो एक आधी निमरा खरीद ही लेना तू। नहीं, क्यों भाई, घड़ियां क्यों नहीं खरीदनी? बहुत ज्यादा, मैं कहती हूँ घर में तो जगह ही नहीं है ना, घड़ियां ही घड़ियां, हमारे रहने की जगह ही नहीं है। है ना जगह, बहुत जगह। ये आपकी शॉप है? चले आए दिखाए फिर। कैसी हो वाली? कैसी हो? कैसी हो? ठीक हो ना? की आले? ठीक हो ना? वो ओल्ड मॉडल तो है, मॉडल वो ओल्ड मॉडल तो है लेकिन वो आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में है। वो नहीं रखी हुई आपने यहाँ पे? किसी के पास भी नहीं होगी। आपके पास है? कैसी हो वाली घड़ी? कैसी हो? तो भाई बिजी बहुत है गर्लफ्रेंड से बातें करने, पूछ ही ना कस्टमर को, पूछ ही ना मेरे को आपके पास आए। कुदूस भाई, कुदूस भाई, कुदूस भाई, ₹1500 के नहीं लगाना मुझे ये बताएं। चलो कुछ मुनासिब कर लो। 1500 ठीक है? इस बंदे ने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया हुआ, आप तो पहले जाकर आवी में छलांग लगाए ना। अब हम लोगों ने घड़ी भी ले ली है, जूता भी ले लिया है, तो मैंने सोचा कि ऐनक भी ली है। भाई साहब अम्मी कह रही है गिनवाओ चीजें, कितनी चीजें ली हैं तुमने। एक शॉप है जहाँ पर ढेर सारी फैंसी जूतियां हैं, तो अम्मी इधर आकर रुक गई है कि निम्रा मुझे भी एक जूता ले ही देगी। तो मेरे पास एक 5000 का नोट है। बेसिकली मैं आपको इस 5000 की एक स्टोरी सुनाती हूँ, मैं भी जिसमें से वो 5000 का नोट निकाली। ये 5000 का नोट मेरे पास एक महीना है। जब भी मेरा एक पार्सल आया था 1200 का, तो मैंने अम्मी से कहा अम्मी जी 1200 देना। अम्मी कह रही अपने पैसे दो ना। मैंने कहा मेरे पास चेंज नहीं है, तो मैं जब करवाऊंगी तो मैं आपको दे दूंगी। अम्मी कहते चलो ठीक है। फिर उसके बाद मैंने दिखा, फिर उसके बाद मेरा एक 500 वाला पार्सल आया। फिर मैंने कहा अम्मी जी 500 देंगी, मेरे पास छूटे पैसे नहीं। अम्मी कह रही तू अपने पैसे तोड़वा, तो मेरे को हूं कोई पैसा नहीं, तो मांगना ठीक है ना। मैंने कहा चले ठीक है। तो आज मैं सोचू जो मैंने अम्मी का उधार लेना वो 5000 में से दूं और अम्मी का एक जूता लेकर दूं। रो रो के ना अम्मी ने अंकल को मना लिया। कितने की आपने जूती दी है? दो जूती 3000 रुपए। अंकल ने कहा था कि एक 2000 की है, एक 1800 की है, और अम्मी ने 3000 में दो जूते लिए। अम्मी ने तो कहा था 2000 में दो जूते। कहते अब जी इतनी तो अपनी खरीद भी नहीं है जितना आप कह रहे हो। लड़ो उनका ना सिर फाड़ दो। मुझे पेंटे नहीं मिली क्योंकि पेंटे जो है वो साथ वाली एक मार्केट है उसमें है। तो मुझे एक बाबा जी ने ना यहाँ पे शर्ट्स लिए थे, अम्मी ने कहा था तैयब के लिए ना ट्राउजर घर में पहनने के लिए शर्ट्स लेते हैं, तो वहां से मुझे ये 100 रुपए की बहुत ही फर्स्ट क्लास किस्म की शर्ट मिली है अपने लिए, और साथ में एक बड़ी जबरदस्त चीज दिखाती है। रुके अंदर वो ये देखें, आई फाउंड अ कैमिसोल 50 रुपए में। आपको एक कैमिसोल मिल रही है, मेरी मामा लेकर आती है 300, 300, 400, 400 की। 50 रुपए की मुझे ये पर्पल कैमिसोल मिली है। मैंने ये भी खरीद ली है,
एक ही है, लेकिन इनके पास एक ही है। मुझे था कि ढेर सारे कलर्स होंगे, हम लोग अलग अलग कलर्स मिलेंगे, लेकिन ये मिली है। मैंने अपने लिए 100 रुपए की शर्ट, 50 रुपए की कमीज और ली है। और भी देख रही हूँ, यहाँ से अम्मी ढूंढ रही है, ये क्या है? ज्यादा ही छोटी हुई है, बेहयाई हो रही है। हे भाभी, ये बाजू इसके बहुत छोटे हैं। I like this one। अच्छा अभी अम्मी से पूछें क्या बना, इसको कहते हैं रेनबो। अब अम्मी देखना क्या कहेगी। अम्मी जी पंजाबी में एक ही बने हैं। अम्मी से मैंने पूछा क्या बना, मैं कहती झंडा। अम्मी जी क्या बना हुआ है, अम्मी जी क्या बना हुआ है? इतना ऐसा बोलिए, मेरे माइक में भी इनकी आवाज आनी। खैर जानबूझ कैसे बोलनी है, मेरी ये तीन चीजें पूरी। इतने सारे बैग्स तो खरीदे थे, लेकिन यहाँ पे मैं आई तो मुझे कुछ अच्छे बैग्स मिले। तो मैंने अम्मी को कहा कि मुझे इन बैग्स को खरीदने की इजाजत दे दें, इसके पैसे मैं खुद आपको घर जाके दे दूंगी, क्योंकि फिलहाल तो मेरे पास पैसे हैं नहीं। तो लेकिन अम्मी के पास पैसे हैं, मेरी अम्मी का पर्स इतना सा, लेकिन इसके अंदर ना इतनी सारी जेबें हैं कि कहीं ना कहीं मेरी अम्मी ने पैसे छुपा के रखे होते हैं। तो अंकल मुझे एक ये वाइट वाला पर्स दिखाते हैं, एक वो ब्राउन वाला, ये वाला चेन वाला, और एक ऑरेंज और एक ग्रीन। तो इन इन चारों में से देखते हैं, सिलेक्ट करते हैं कोई एक या दो बैग जिसके में हमें इजाजत दे देंगी। मेरे पास बहुत सारे बैग्स हैं, मुझे ना कुछ चीजें अच्छी लगती हैं, जैसे कि घड़ियां, जूते, बैग्स, मतलब जो लड़कियों की जरूरत है उनका कुछ सब चीजें अच्छी लगती है। कहते कहने कुछ रह गया क्या? खैर व्हाइट कलर का मेरे पास बैग है, लेकिन वो थोड़ा फैंसी सा है, मतलब आप उसको कैजुअली यूज नहीं कर सकते, उसके साथ चेन लगती है। तो अंकल इसका भी निकाल के दिखाएं ना। वैसे मुझे चाहिए ना वो बैग होता है, एक ना गुची का बैग होता है ऐसे होता है, उसके ना यहाँ पर एक मिनी बैग सा लगा होता है, वो मुझे बहुत पसंद है, लेकिन मैं वो खरीद नहीं सकती, वो हमारी औकात से बाहर है। तो हम LLB आते हैं जब भी हमारा दिल करता है। वैसे मैं पहली बार यहाँ से बैग ले रही हूँ, वैसे मैंने कभी लिया नहीं है। जवाब लग सील कर रहे हैं हम, अगले जब सेल करेंगे ना वो आप रख लेना उसके पैसे। मैं आ चुकी हूँ मेरी फेवरेट शॉप पे, ये एक ऐसी शॉप है जहाँ से हर तरह का बर्तन मिल जाता है। अब ये देखें ये क्या है, ये यहाँ से फ्रेंक पन सॉस पैन, ये सॉस पैन भी आपको यहाँ से मिल जाएगा। इंसान की खोपड़ी टूट जाएगी, लेकिन फ्रेंक पैन का डंडा या फ्रेंक पैन कहीं भी नहीं हिलेंगे। पता है आपको लंडा बाजार से ना सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ें क्या मिलती हैं? क्रॉकरी है, देखिए कितनी प्यारी क्रॉकरी है, और हर तरह की क्रॉकरी है, फ्रेंक पैन से लेके, छुरी से लेके, तवा से लेके, चिमटा से लेके, हर चीज़ है। और आपको पता है कितना भारी कुत्ता है, कुत्ता भी मिलता है यहाँ से, शुंदरी मुंदरी। और हाँ अगर तो आपके पास बच्चे हैं तो यहाँ से बच्चों के टॉयज भी मिल जाते हैं, हर तरह के टॉयज। ये देखें आपको यहाँ से एक प्यारी लड़की भी मिल जाएगी, ये देखें कितनी प्यारी है, जो हमेशा जागती रहती है, जिसको कभी भी नींद नहीं आती, हमेशा उठी रहती है। और हर तरह की वाटर बॉटल्स भी मिल जाएंगी। वैसे तो ये काफ़ी अच्छी दुकान है जहाँ से हर तरह की चीज़ है, एंटीक चीज़ें, मैं वहाँ से आपको दिखाती हूँ, रुकें। ये कितनी प्यारी जगह है, यहाँ पे देखिए कितने प्यारे डॉल्स हैं, और ये डॉल कितनी प्यारी लग रही है, अंदर से खोखली है, अंदर से खोखली नहीं, अंदर से खाली है भाई साहब। ये देखें
अगर तो आपका घर है, आप अपने घर को ऐसी चीजों से डेकोरेट करना चाहते हैं तो आपको यहाँ से बहुत अच्छी चीजें मिलेंगी। ये देखिए चूड़ियों को तोड़कर उन्होंने एक होल्डर सा बनाया हुआ जिसके अंदर आप अपनी अंगूठियां वगैरह भी रख सकते हैं, और ये जूता जिसके अंदर आप अपने रिंग्स रख सकते हैं। और हाँ, हम सारा बाजार घूमे लेकिन हमें महविश के साइज की जूती नहीं मिली, और मुझे फाइनली वो जूता मिल गया है जो महविश को पूरा आ जाएगा। ये महविश के बिल्कुल साइज का जूता है, महविश के साइज का हमें जूता नहीं मिलता। हाँ, और ओए ये देखें उड़ती हुई परियां, अरे नहीं ये तो तितली है। अगर तो आपने नागिन देखा ना तो आप मेरी बात से रिलेट करेंगे कि ये इच्छाधारी तितली है। नागिन ड्रामे में ना इच्छाधारी मक्खी, इच्छाधारी मेवला, इच्छाधारी सांप, इच्छाधारी कॉकरोच, तो मैंने इसको एक परी को एक नया नाम दिया, ये है इच्छाधारी तितली। ये देखें लकड़ी का बना हुआ टर्टल। ओए होए भैंस की तुम, लाइट चली गई है। मैं अपना सारा सामान लेकर जा ही रही थी कि मेरी नजर पड़ी जूतों पर, मतलब जो बूट्स मैं ढूंढ रही थी वो वाले बूट्स तो मुझे नहीं मिले, लेकिन उसे मिलते जुलते बूट्स मुझे मिल गए। तो मैंने सोचा कि अब 16 तारीख का जाना तो है ही, तो खरीद ले लिमरा, अगली बार तुझे वैसे वाले मिलेंगे तो खरीद ले। अम्मी जी वो वाले बूट्स दिखाइएगा, अम्मी जी वो वाले बूट्स। तो ये वाले बूट्स मिले, जब भी हम किसी दुकान पे जाते हैं हम कहते हैं कि हमारे पास पैसे खत्म हो गए, आप हमें इतने में ही दे दें, और फिर जब हम अगली दुकान पे जाते हैं हमारे पास पैसे आ जाते हैं। लेकर आया लेकिन फिर वो जब मैंने पहन के देखा मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं होती, क्योंकि मुझे लेसिस वाले लॉन्ग बूट्स चाहिए थे। और आम इंसान को कोई चाय नहीं पूछता, पुलिस वाला साथ आ जाए तो उसको चाय भी मिलती है, उसके साथ बिस्किट भी मिलता है। शर्म नहीं आती हमें, पानी भी नहीं पूछा। खैर फिर भी मैंने यहाँ से वो शूज नहीं खरीदे थे क्योंकि हम इस शॉप में आ गए थे। एक जूता मैंने अम्मी के लिए लिया, लाइट ही कम हो गई मैं नजर ही नहीं आ रही। एक जूता मैंने अम्मी के लिए लिया, एक जूता मैंने महविश के लिया, और एक जूता मैंने अपने लिए लिया। पेंटे नहीं मिल रही थी इस दुकान पे, मुझे एक ऊपर वाली पेंट अच्छी लगी जो कि मेरे साइज की भी थी, हाँ थोड़ी सी बड़ी है, लेकिन मैं बेल्ट पहनूंगी तो मे भी ये पूरी आ जाए। तो मैंने एक से कही थी मुझे दो तीन पेंटें पसंद, और मुझे जो दुकान पे खींच के लेकर आई है ये टॉप है, दिखाया एक मिनट। ये टॉप इतनी प्रिटी और वाइट कलर मेरा फेवरेट है, तो मुझे ये लगा कि मुझे ये लंबी है, ये फ्रॉक लग रही है टॉप नहीं है। अरे कोई बात नहीं, अच्छी बात है, अभी इसके स्लीव्स नहीं है लेकिन हम इसके नीचे जो है वो एक फुल स्लीव्स वाली वाइट शर्ट पहनेंगे और इसको कैरी करेंगे विद दिस ब्लू जीन्स, और ये अच्छा लगेगा मेरे ख्याल से। तो अंकल और पेंटे के साथ मेरी अम्मी ऐसे रखती हैं, वैसे मेरे पास ये कलर नहीं है तो मेरा तुम सिलना। बेसिकली पतले होने का एक नुकसान भी है और फायदा भी है। नुकसान तो यही है कि आपके साइज के कपड़े नहीं मिलते, और फायदे बेशुमार है, मैं आपको गिनवा नहीं सकती। आप जल्दी बूढ़े नहीं होंगे। तीन तीन जगह लगाए 1000 की पेंटे और 500 रुपए की वो टॉप। आपने 800 का लगाया ना, मैं 500 का कह रही हूँ। 1800 नहीं 1500। शुक्र है मुझे पेंटे मिल गई, मुझे शूज मिल गए, मुझे स्वेट शर्ट मिल गई, सब कुछ मिल गया। सब कुछ मिल गया तो अब हम जाते हैं चाची के घर, चाची ने हमारे लिए खाना बनाया है। यहाँ से 5 मिनट की दूर में मेरी चाची का घर है, वहाँ से हम जाएंगे घर, फिर मैं करूँगी इस ब्लॉग को एंड। हर तरह का कच्चा भी आपको यहाँ से मिल जाएगा, कच्चा भी और अच्छा भी। तो मैं अपने इस व्लॉग को एंड करना तो भूल ही गई थी, जैसे मैं घर आई मैं इतना ज्यादा थकी हुई थी कि मैंने मुंह धो लिया, तो मुझे बाद में याद आया कि मैं तूने अभी व्लॉग का एंड नहीं किया। तो खैर हम लोग गए LLB
और मैंने वहां से की शॉपिंग। मैं सोच के तो गई थी कि सिर्फ मैं अपने जाने के सामान लेकर आऊंगी, लेकिन जब हम वहां पर गए तो अम्मी ने तैयब के लिए, शायद महविश ने अपने लिए और अम्मी ने अपने लिए भी बहुत सारा सामान खरीद लिया। हम लोगों ने बहुत सारी शॉपिंग की और मुझे स्वेटशर्ट्स नहीं मिली क्योंकि सीजन नहीं था, और 3 जीन्स मैंने खरीदी क्योंकि हम लोग 3-4 दिन के लिए जाएंगे। कुछ मैं अपनी पुरानी जीन्स को वेयर करूंगी और कुछ इनको यूज करूंगी, और एक शूज खरीदे, बहुत सारे बैग्स खरीदे, अम्मी ने अपने लिए जूते खरीदे, बहुत सारी शॉपिंग फिर भी हम लोगों ने कर ली। तो ये था मेरे लाहौर का LLB। बेसिकली ये मेन लंडा बाजार नहीं था, मेन लंडा बाजार कहीं और है। मतलब लाहौर में तो एक ही जगह पर ना, ये हाजी कैंप है, हमारे घर से 10 मिनट और दूर जाए तो एक और लंडा बाजार है, मियो हस्पताल के पास एक और लंडा बाजार है, मतलब बहुत सारे लंडा बाजार है। और जहां पर मैं रहती हूँ वहां पर तो बहुत ही ज्यादा है ना, तो मैं तो कहीं भी जा सकती हूँ, लेकिन मेरे घर के बहुत करीब ये पड़ता था और हम बचपन से इसी लाहौर लंडा बाजार में जाते रहे। और मैंने बहुत सारी शॉपिंग की, बीच में मेरा माइक भी बंद हो गया, मुझे पता भी नहीं चला, जिसकी वजह से थोड़ी सी खराबी हो गई। खैर लेकिन मैंने ट्राई किया बहुत अच्छा व्लॉग बनाने का और मैं बहुत ज्यादा थक भी गई। तो उम्मीद है आपको मेरा व्लॉग और हमारा LLB अच्छा लगा होगा, और अगर आप यहाँ पर आते हैं तो जिस जिस दुकान से मैंने शॉपिंग की है प्लीज उस दुकान से शॉपिंग कीजिए, क्योंकि मैं उनको हर दूसरी मिनट बात कर रही थी मैं इन्फ्लुएंसर हूँ, मेरी वजह से आपको बहुत सारे लोग आएंगे खरीदने के लिए, तो आप एक आध बंदा तो वहां पे जाके जरूर कुछ खरीदिएगा। खैर उम्मीद है आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। मेरे मजीद व्लॉग को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि आपको व्लॉग कैसा लगा। जितने लोग मेरा व्लॉग देखते हैं अगर उतना ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना तो मेरे तो मिलियन हो जाएंगे। खैर आप लोग नहीं करेंगे, आपका तो हाथ दुखता है ना एक बटन दबाते हुए। खैर ये मेरे पीछे शॉपिंग पड़ी हुई है, मैं इन सबको ट्राई करूंगी पहन पहन के। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, गाँव में याद रखें, अल्लाह हाफिज़।